हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 11th के लिए है। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके बेसिक हम आज जान लेंगे, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं वो हम जान लेंगे। ठीक है, अब जैसे चलिए इसको हम समझते हैं क्या होता है ये बेसिक, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सीरीज हमें दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, है ना। अब यहां पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स एंड सो ऑन। ये है ए वन, ये ए टू, ये है ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव और ये ए सिक्स, है ना। अब यहां पे देखिए जो सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इनके कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, 2, 4 ले लीजिए, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12 ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए और उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो जैसे यहां पे अगर हम करते हैं, देखिए ए टू माइनस ए वन करते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू करते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री करते हैं, ए फाइव माइनस ए फोर करते हैं, ए सिक्स माइनस ए फाइव करते हैं। तो यहां देखिए ए टू माइनस ए वन यानी 4 माइनस 2, फिर उसके बाद ए थ्री माइनस ए टू यानी 6 माइनस 4, उसके बाद ए फोर माइनस ए थ्री यानी 8 माइनस 6, उसके बाद ए फाइव माइनस ए फोर यानी 10 माइनस 8, उसके बाद लास्ट है ए सिक्स माइनस ए फाइव यानी 12 माइनस 10। तो यहां पे देखिए जब हम डिफरेंस निकालते हैं 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8, 12 माइनस 10, तो कितना आया, 2 आया। यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस लिया तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, फिक्स वैल्यू आई, है ना। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यानी ये जो डिफरेंस आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये 2 जो आया ये क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया। कोई भी सीरीज दी हो उनके कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, क्रमागत पद ले लीजिए, उनका डिफरेंस निकालिए। जैसे यहां पे देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस किया, फिर सिक्स्थ में से फिफ्थ को माइनस किया, तो इनका जो डिफरेंस आया 2 आया, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू आई सब जगह, 2 यहां भी, 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 यानी कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू आई, कांस्टेंट आया। और इसको हम क्या कहेंगे, इस डिफरेंस को जो कांस्टेंट वैल्यू आई है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे जब भी कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए हों उनके बीच का डिफरेंस निकालें और कांस्टेंट वैल्यू आए यानी कि एक फिक्स वैल्यू आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और इस सीरीज को क्या बोलेंगे, इस सीरीज को हम बोलते हैं, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी सीक्वेंस। तो हम कह सकते हैं दिस इज इन द एपी सीक्वेंस, यानी कि एपी सीक्वेंस में, एपी सीक्वेंस, है ना। हाँ, तो एपी सीरीज आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि एपी सीरीज या एपी सीक्वेंस हम कैसे पहचानते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस अगर क्या है, कांस्टेंट आता है, यानी हर जगह 2 आता है, हर जगह फिक्स वैल्यू आती है, मान लीजिए यहां माइनस कर रहे हैं, यहां माइनस कर रहे हैं, यहां माइनस कर, सब जगह क्या आया, सेम ही आया, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आई, तो हम पहचान सकते हैं कि ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा जीपी के बारे में जान लेते हैं। तो नाउ जैसे मान लीजिए आपको सीरीज दी गई 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, ऐसे करके दे दी गई। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी हम ले रहे हैं, मान लीजिए ए वन, ये वाला ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव और ये ए सिक्स, है ना। यहां पे भी फर्स्ट हमको ए वन, सेकेंड को ए टू एंड सो ऑन ऐसे दिखा दिया हमने। अब यहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे एपी सीरीज में तो हम लोग क्या करते थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते थे, लेकिन यहां पे जीपी में क्या करेंगे, जीपी में हम कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, जैसे 2, 4 ले लें, 8, 16 ले लें, 32, 64 ले लें, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो। जैसे यहां पे 2, 4 लिया ये कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो यहां पे ए टू अपॉन ए वन करेंगे, रेशियो ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों को लेते हैं, ए थ्री ए टू को लेते हैं, तो हो जाएगा आपका ए थ्री अपॉन ए टू हो जाएगा, ऐसे ए फोर अपॉन ए थ्री हो जाएगा, ऐसे देख रहे हैं, उसके बाद ए फाइव अपॉन ए फोर हो जाएगा, उसके बाद ए सिक्स अपॉन ए फाइव हो जाएगा। अब यहां पे देखिए वैल्यू रख के आप, दो भी जो भी आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लिए हैं ऐसे ऐसे करके, उसका क्या किया हमने, रेशियो निकाला है, ऐसे क्या करेंगे, रेशियो। अब यहां पे देखिए ए टू अपॉन ए वन करिए, ए टू अपॉन ए वन यानी कि 4 अपॉन 2, ए थ्री अपॉन ए टू करिए यानी 8 अपॉन 4, उसके बाद ए फोर अपॉन ए थ्री करिए यानी 16 अपॉन 8, ए फाइव अपॉन ए फोर करिए यानी 32 अपॉन 16, ए सिक्स अपॉन ए फाइव करिए यानी 64 अपॉन 32। अब यहां पे देखिए डिवाइड करिएगा 2 से, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये 16 है, 32 2 64, है ना, 32 2 64 होता है, ये आया। यहां पे आपने क्या देखा, जो यहां पे जब
कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को हमने लिया, कैसे लिया, रेशियो में लिया, यानी डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, एक फिक्स वैल्यू आई, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो आया कंसेक्यूटिव टर्म्स का, जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, एक फिक्स रेशियो आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लेते थे तो कॉमन डिफरेंस आता था, अब यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे रेशियो लिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, आर से डिनोट करते हैं, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, टू हो गया, कॉमन रेशियो कितना, टू। तो यही दोनों में फर्क है। एपी सीरीज के लिए क्या करते थे, सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेते थे, देखिए डिफरेंस, डिफरेंस लेते थे, अगर सब जगह सेम सेम आया डिफरेंस, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह सेम आया, कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, तो हम कह देंगे वो तो एपी सीरीज है। और जीपी के लिए क्या करते हैं, जो टर्म है A1, A2, A3, इसमें क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं, रेशियो A2 upon A1, देखो A2 upon A1 ऐसे लिया है ना, देखो A2 upon A1, फिर A3 upon A2, A4 upon A3, ऐसे A5 upon A4, A6 upon A5, देख रहे हैं ना। हाँ, यानी कि फर्स्ट टर्म को सेकंड, यहाँ पे देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से किया, फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से किया, फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड किया, फिर सिक्स्थ टर्म को फिफ्थ टर्म से डिवाइड किया, ऐसे करते हैं। और क्या करते हैं, जब ऐसे डिवाइड करते हैं, यानी रेशियो जब निकालते हैं, सब जगह अगर सेम आता है, सेम वैल्यू आती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, यानी कॉमन रेशियो आता है, तो क्या कहते थे हम, ये जीपी में है, तो लिख सकते हैं दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, ठीक है ना। चलिए, ये तो आप जान गए, अब तो कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, कोई भी सीरीज दिया रहेगा, पहचाना रहेगा कि जीपी है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लेंगे, जैसे हमने किया है, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, फिर थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किया, है ना, फिर से फिफ्थ को फोर्थ से डिवाइड किया, सिक्स्थ को फिफ्थ वाले से डिवाइड किया, और सब जगह देखा सेम आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, सब जगह वैल्यू सेम सेम आ रही है, यानी कि कॉमन रेशियो टू आया। जैसे यहाँ पे तो ऐसे कहीं पे भी अगर कॉमन रेशियो सेम आता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है हर केस में, तो हम कह देंगे कि ये सीक्वेंस जो दिया गया, ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है ये, ठीक है। अब चलिए, अब ये भी जान गए आप, एपी कैसे पहचानते हैं, जीपी कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए यहां हम ले लेते हैं, सपोज कर ले रहे, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे हमने लिख लिया लेट फर्स्ट टर्म बी ए स्मॉल ए, हमने ले लिया कि जीपी की जो यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस है, इसमें हमने ले लिया फर्स्ट टर्म क्या, ए, ए से हम लोग डिनोट करते हैं ना, तो हमने ए ले लिया। और कॉमन रेशियो क्या लेंगे, कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, है ना, ये तो हमने लिख के भी रखा है, कॉमन रेशियो किससे डिनोट करते हैं, आर से। तब जनरल टर्म क्या होगा जीपी का, जब हमने फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, ए ले लिया, और कॉमन रेशियो आर ले लिया, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देन ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए, जनरल टर्म ऑफ जीपी, देन जनरल टर्म ऑफ जीपी इज, है ना, जनरल टर्म ऑफ जीपी इज, तो जीपी का जनरल टर्म क्या होगा, अब बड़ी आराम से बता सकते हो, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया, ए लिया है, ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब, ऐसे देख रहे हो ऐसे, फिर एंड सो ऑन, ये कॉमा है, एंड सो ऑन। अब यहां पे देखिए, ये तो आपने देख लिया कितना, अब यहां पे देखो, यहां जैसे हमने लिया ए लिया है, ये क्या है, ए जो है वो है क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये हमने क्या लिया, ये सेकेंड टर्म है, ये वाला क्या है, ये वाला तो थर्ड टर्म है, ये वाला क्या है, ये वाला फोर्थ टर्म है। अब एंड सो ऑन, अगर यहां पे बात करें nth टर्म क्या होगा, nth टर्म जो लास्ट में होगा, nth टर्म की अगर बात करें, यहां कहते हैं कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ये क्या होगा, nth टर्म, तो आप यहां पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक समझिए, फर्स्ट टर्म लिया वन, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म लिया तो पावर कितनी है, यहां पे देखो जीरो है, यहां पे देखो जीरो है पावर, और यहां पे सेकेंड टर्म लिया तो सेकेंड टर्म है तो यहां आर की पावर कितनी, वन, यहां देखो फर्स्ट टर्म था तो पावर कितनी, जीरो, और यहां सेकेंड टर्म लिया तो आर की पावर कितनी, वन, यानी यहां सेकेंड तो यहां पे वन, यानी यहां पे टू तो यहां पे वन, एक कम, यहां पे देखो थर्ड टर्म लिया तो पावर आर की पावर कितनी, टू, यहां थर्ड तो यहां पे सेकेंड, यानी एक कम, यहां पे देखो फोर्थ टर्म लिया तो पावर आर की पावर थ्री, तो ऐसा ही अगर एंड सो ऑन यहां nth टर्म में जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, जब यहां पे देखो हर जगह देखो यहां पे वन है, यहां पे फर्स्ट टर्म है वन तो यहां पे पावर जीरो, यहां पे सेकेंड टर्म तो आर की पावर वन, यहां पे थर्ड टर्म तीन तो पावर टू, यहां पे चार तो पावर तीन, तो ऐसे यहां पे एन तो क्या होगा, एक कम ही तो होगा, तो ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एक लॉजिक है समझाने के लिए आपको, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो nth टर्म क्या, ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो nth टर्म ये n है, ये क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ
जीपी, ये फॉर्मूला क्या बना आपका, ये देखो nth टर्म का, ए आर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया किसका, nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी के nth टर्म का, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म। आर क्या है, कॉमन रेशियो है। एन क्या है, एन तो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसे लेते हैं हम लोग, देखो एक एग्जाम्पल मान लीजिए, एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया, क्या ले लिया क्वेश्चन, फाइंड द टेंथ टर्म, ऐसे ले ले रहे हैं, फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ जीपी, ये जीपी सीरीज मान लो दे दी गई आपको 248, ऐसे एक समझाने के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। एंड फोन अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टेंथ टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना। तो यहाँ पे देखो ये जो सीरीज दी गई है, ये सीक्वेंस जो दिया गया है, ये किसका है, जीपी का है। और क्या, 4 अपॉन 2 करोगे 2 टू द 4 तब भी 2 आएगा, और 8 अपॉन 4 करोगे 4 टू द 8 तब भी 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, 2 2 हर जगह आ रही है, यानी क्या है, ये तो जीपी में है। तो यहाँ पे ए निकाल लीजिए, ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है 2। और यहाँ पे आपने निकाला कॉमन रेशियो, यानी 4 अपॉन 2 किया इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 किया, 4 अपॉन 2 किया तो 2 टू द 4 तब भी 2 आया, 8 अपॉन 4 किया तब भी 2 आया, यानी कॉमन रेशियो भी कितना आया, 2 आया, कॉमन रेशियो भी 2 आ गया। तो अब nth टर्म का आपको फॉर्मूला तो पता है, ये देखो आपने निकाला है यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला, ये देखो nth टर्म का फॉर्मूला आपने निकाल के रखा है। तो चलिए nth टर्म का फॉर्मूला हम निकाल ले लेने हैं, nth टर्म यानी an, nth टर्म को an से दिखा सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस वन, तो हमें कौन सा निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, टेंथ टर्म। n की वैल्यू कितनी दी है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया, 10 दिया गया, तो n की जगह 10 रख देंगे, n की जगह कितना 10 रख देंगे। a की वैल्यू कितनी 2 है, और r की वैल्यू कितनी 2 है, n की वैल्यू कितनी 10 माइनस 1। तो यहाँ पे निकालिए आप 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 कितना 9। अब यहाँ देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होगी, एड हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 9, यानी आ जाएगा आपका 2 की पावर 10, यही हो गया आंसर। तो जब भी आपसे पूछे, टेंथ टर्म पूछे, 20th टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो nth टर्म तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सम की बात करते हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। अब हम पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी के nth टर्म का सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखो जनरल टर्म तो पता ही लग गई, जनरल टर्म क्या है, ये देखो जनरल टर्म आपको पता लग गई, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या हो गई, जनरल टर्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सम की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो देखो जो सीक्वेंस दिया गया है, जो जनरल फॉर्म दी गई है, सम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब प्लस लगा के लिख देंगे। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, तो प्लस लगा के लिख देंगे, ठीक है। तो चलो मान लो आपको सम को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या है, जनरल टर्म था ए, था ए, उसके बाद प्लस ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब, है ना, उसके बाद प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था आपका ए आर एन माइनस वन, हाँ लास्ट वाला था ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन था, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई, इसमें हम इस वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कॉमन रेशियो यानी आर से, कॉमन रेशियो यानी आर से, मल्टीप्लाइंग बाई आर इन बोथ साइड, बोथ साइड चलिए मल्टीप्लाई करा दे, तो एस है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एस आर हो जाएगा, ए है यहाँ पे देखो ए है, अब ए में मल्टीप्लाई कराएंगे आर से तो क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, फिर ए आर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, देख रहे हो ना, ऐसे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे ए आर स्क्वायर में कराएंगे आर से तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर ऐसे एंड फोन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन, इसमें अगर हम आर से कराएंगे तो क्या बचेगा, ए आर की पावर एन बचेगा, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन कैसे बचेगा, जैसे मान लीजिए हम रफली यहाँ समझा दे रहे हैं, ए यहाँ देखो रफली समझ लो, जैसे यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस वन है, ए आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ देखो हमने लिख लिया ए आर की पावर एन माइनस वन, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आर से, कॉमन रेशियो से आर से, तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होती है, एड हो जाती है, यानी हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, यानी कितना आएगा, ए आर की पावर एन आएगा, तो वही बचा है ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन बचा है ना। अब क्या करेंगे, अब जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये देखो हम इसे खींच दे रहे हैं, माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ, प्लस तो माइनस, देख रहे हो,
यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। तो देखो ए आर, ए आर कटा, ए आर स्क्वायर कटा, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब कटा, और क्या कटेगा आपका ए आर एन माइनस वन, ये था। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे ए आर एन माइनस वन है, तो अगर इससे पहले की टर्म की बात करें, अगर इससे पहले की, देखो ये ए आर एन माइनस वन, इससे अगर थोड़ा सा पहले जाएंगे तो इसका इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म होगा ए आर एन माइनस टू, ए आर एन माइनस टू होगा। और क्या, यहाँ पे देखो थ्री है, टू है, घटता जा रहा है, तो एन माइनस वन है, तो इससे पहले घट के क्या होगा एन माइनस टू, फिर से पहले एन माइनस थ्री होगा ना, ए आर की पावर एन माइनस थ्री, हाँ, तो इसको भी ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई कराया इसमें आर से, यहाँ देख रहे हो ए, इसमें ए में कराया तो ए आर आया, ए आर में कराया आर से तो ए आर स्क्वायर आया, ए आर स्क्वायर में आर से कराया तो ए आर क्यूब आया, आया कि नहीं आया। अब उसके बाद अगर हम इसमें करा दें, किसमें, इस वाले में अगर हम करा दें, ए आर एन माइनस टू में करा दें, ए आर एन माइनस टू में करा दें, इसमें देखो ए आर एन माइनस टू में, यहाँ देखो रफली देख लो, ए यहाँ भी रफली हम आपको दिखा दे रहे हैं, ए आर एन माइनस टू है, ए आर की पावर एन माइनस टू। अब इसमें भी अगर हम आर से करा दे रहे हैं, इससे आर से मल्टीप्लाई, तो बेस सेम मल्टीप्लाई के साइन, तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर वन होती है ना, तो हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पे माइनस टू प्लस वन यानी आ जाएगा माइनस वन, यानी हो जाएगी पावर ए आर की पावर एन माइनस वन, हो जाएगी ना ए आर की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, हाँ लिख लेने, प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ए आर की पावर एन माइनस वन ये भी कट जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन ये भी कट जाएगा, है ना। और ये ए आर की पावर एन माइनस टू ये तो बीच का है सिक्वेंस, तो बीच में तो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उससे नहीं लेना देना। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या क्या, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एस माइनस एस आर, क्या क्या बचा, एस माइनस एस आर इज इक्वल टू, और क्या बचा, ये ए बचा है, और सारी चीजें तो कट गई, ये तो बीच का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं ना, एंड सो ऑन के अंदर यहाँ भी टर्म्स हैं ना, और क्या बचा है, माइनस ए आर की पावर एन, माइनस ए आर की पावर एन, ये बचा हुआ है ना। अब चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, एस कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, वन माइनस आर बचेगा, वन माइनस आर बचेगा, यहाँ पे अगर ए कॉमन ले लें क्या बचेगा, वन माइनस आर की पावर एन बचेगा। अब यहाँ से एस इज इक्वल टू हम वैल्यू निकाल लें, तो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला आ गया किसका, सम ऑफ एनएच टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एनएच टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लें, सम ऑफ एनएच टर्म, यहाँ पे एसएन भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखो अगर यहाँ पे नीचे डिनोमेटर में हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो फॉर्मूला क्या आ जाए आपका, फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। आप दोनों फॉर्मूला सेम ही है, चाहे ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए, लेकिन ज्यादा आसानी होती है इसके लिए, क्या कहते थे, कंडीशन दे दी जाती है एनसीईआरटी में कि अगर आर की वैल्यू वन से ग्रेटर हो तब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और आर की वैल्यू अगर वन से लेस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आप यही वाला फॉर्मूला लेके चलिए हर जगह, आर की वैल्यू कुछ भी हो, कम ज्यादा कुछ भी हो, यही फॉर्मूला लगाइए आप, है ना, ए आर की पावर एन माइनस वन वाला, इससे क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ एनएच टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एनएच टर्म का फॉर्मूला। अब चलिए क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए यहां से हमने फिर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ऐसे इजीली समझाने के लिए आपको, फाइंड द सम ऑफ, ऐसे ले ले रहे हैं, ऐसे अपने मन से ले रहे हैं समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए, फाइंड द सम ऑफ, मान लीजिए चलो फिफ्थ टर्म ले रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म, और आपको यहाँ पे सीरीज दी गई, मान लो ये थ्री सिक्स ट्वेल्व, मान लो ट्वेंटी फोर, ऐसे दी गई, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना है, थ्री है, और क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, सिक्स अपॉन थ्री करिए, ट्वेल्व अपॉन सिक्स करिए, ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेल्व करिए, कितना आएगा, टू ही आएगा, यानी कॉमन रेशियो कितना आएगा, टू आएगा। अब आपको सम निकालना है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो हमने निकाल के दिखाया फॉर्मूला, ए जे यही वाला निकाल, यही वाला लगा ले रहे हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन वाला, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये तो था फॉर्मूला। अब सम ऑफ की कौन से टर्म्स को निकालना, फिफ्थ टर्म, देखो फिफ्थ टर्म, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, फिफ्थ फाइव हो जाएगा, ए कितना है, थ्री है, आर कितना है, आर है टू, एन कितना है, एन है फाइव, और माइनस वन यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, आर कितना है, टू है, तो टू माइनस वन। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये थ्री, और यहाँ पे टू की पावर फाइव का मतलब कितना, थर्टी टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, वन यहाँ पे हो जाएगा, थ्री इंटू थर्टी टू माइनस वन यानी थर्टी वन, मल्टीप्लाई करा दोगे, थ्री वन थ्री, थ्री से नाइन, ये आ गया नाइनटी थ्री, यानी सम ऑफ फाइव टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म कितना आएगा, 93 आएगा, सम ऑफ फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, अर्थमेटिक मीन, जैसे जो पढ़ा था आपने उसको देख लो एक बार फिर से, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक
मीन, ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई, याद करो हमने टेंथ में आपको पढ़ाया, मान लो ये सीरीज दी गई है ऐसे करके कुछ भी दे दी गई, मान लो ऐसे ही दे दिया गया, अब ये एंड सो ऑन, ये किसमें है एपी में है, देख लो आप चेक कर लो, 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, 6 माइनस 4 करोगे 2 आएगा, 8 माइनस 6 करोगे 2 आएगा, 10 माइनस 8 करोगे 2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स वैल्यू आ रही है, यानी कि ये एपी सीरीज में है, ये सीक्वेंस किसमें एपी सीरीज में। अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते थे, कोई जो सीरीज दी गई उसमें कोई भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स ले लीजिए, कोई भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स ले लीजिए, मान लो यहाँ पे 12 भी दिया गया, चलो कोई भी कंसेक्यूटिव, मान लो हम 2, 4, 6 ले लें, चाहे तो 8, 10, 12 भी ले, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स, मान लो हम ले लिया 2, 4, 6 ले लिया, तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लिए। अब अर्थमेटिक मीन हमको निकालना है ना, तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करिए टेंथ क्लास में क्या करते थे, जैसे 3 टर्म्स लिए हैं तो यहाँ पे होता क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम लेते थे, फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म कितना 6 है, इनका सम लेके 2 से डिवाइड कर देते थे, तो कितना आ जाता था 8/2, यानी 2 4 8 4, यानी कि जो बीच वाला टर्म होता था वही क्या होता था, अर्थमेटिक मीन होता था, है ना। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते थे सीरीज से और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम को 2 से डिवाइड कर देते थे, डिवाइड करने पे जो आता था वो क्या होता था, वही होता था अर्थमेटिक मीन, वही अर्थमेटिक मीन होता था। हम ऐसे भी पहचान सकते थे, अर्थमेटिक मीन जो होता है हमेशा मिडिल वाली वैल्यू आती है, बीच वाली, ठीक है ना। अब चलो ऐसे जीपी के लिए ले लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन में मान लीजिए यहाँ पे भी दे दिया गया आपको, कोई ऐसे सीरीज दे दी गई 2, 4, 8, 16, 32, चलो ऐसे करके दे दी गई, ये किसमें है, ये तो है जीपी में, ये किसमें है जीपी में। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन में भी वही करेंगे कि कोई भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स ले लेंगे, मान लो यहाँ पे 64 है, चलो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स लेने, चाहिए 3 लेने चाहिए 3 ले, बात एक ही है, हमने ले लिया कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स, 3 ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए, अर्थमेटिक मीन में तो आपने देख लिया क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते थे, फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 8, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते थे और स्क्वायर रूट कर देते थे, और स्क्वायर रूट यानी उसका स्क्वायर रूट निकाल देते थे, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 to the 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, तो ये 4 देखो मिडिल वैल्यू वैल्यू आ रही है कि नहीं, यही तो है क्या ज्योमेट्रिक मीन, यही क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए कोई भी 3 टर्म्स लेंगे और उसके बाद फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोडक्ट, उसके बाद रूट लगा देंगे यानी उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो जो आएगा स्क्वायर रूट वो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा, उस सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा देखो क्या आएगा, बीच वाली वैल्यू आती है, जैसे अर्थमेटिक मीन में आ रहा था वैसे ज्योमेट्रिक मीन भी आता, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन समझ में आया ना, तो ये बेसिक था, बेसिक सा कंसेप्ट था एक छोटा सा 20-25 मिनट का आपको जो बताया गया है ना, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, इसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।